चुनाव हो रहे हैं उसमें ज्यादा ध्रुवीकरण आपको दिख रहा है, पोलराइजेशन जो किया जा रहा है, खासकर क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव या तो मोदी के पक्ष में हो रहा है या उनके खिलाफ हो रहा है? नहीं नहीं, मोदी के पक्ष में तो चुनाव नहीं रह गया, ये बातें चली थी 2 महीना पहले, लेकिन ये कि इस वक्त 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया कि यूपी में तो कम से कम ईविल नहीं लग रहा, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है। जो पार्टी जिसका जो वोट है वो वोट ले जाएगी। विकास कितना बड़ा मुद्दा है? नहीं, विकास बड़ा अहम मुद्दा है। योजनाएं जो इस गवर्नमेंट ने तमाम तरह की योजनाएं दी हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आप लोग जान रहे हैं, तो उसका बड़ा फायदा मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन कहते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 3 चीज़ों पर लोगों का ध्यान रहता है, बिजली, पानी, सड़क। नहीं तो बिजली बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश की, सड़कों का काम तेजी से चल रहे हैं, और पानी तो यहाँ फ्री है, पानी तो मुफ्त है, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। आपने अभी मंच पर जिक्र किया था कि आपके ऊपर जो केस चलते हैं उसके बारे में सब जिक्र करते हैं, लेकिन उसे खत्म किया जाता है तो उसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं होता है। हाँ। क्या एक बाहुबली कहलाना चुभता है? नहीं, चुभता तो है ही है, समझेंगे ना आप, और एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, पेपर्स हैं हाई कोर्ट के, कि 123 मुकदमे क्वेश्चन कर दिए, तो मुझे लगता है क्यों ये नहीं चलाया जाता। भाई सुल्तानपुर हम गए, हमारे पीछे 500-700 गाड़ियाँ चली गई, ये सही है, कोई मतलब टैक्सी नहीं थी, कोई भाड़े की नहीं थी। अभी दूसरे के साथ जाएं, मोदी जी के साथ जाएं, तो साहब समर्थक निकल पड़े, मतलब आंदोलन के पीछे आ गया साहब, हुजूम निकल पड़ा, हमारे साथ गए तो बोली हैं। ये जो दोहरी नीति है इस पर हमको इतराज़ है कि भाई अगर आप कह रहे हो हमारे पास 100 मुकदमे, तो आप ये भी कहो कि 123 FIR हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, ये क्यों कोई नहीं कहता, तो मानी बात चुभे गई है। लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें क्यों रहती हैं चाहे इलाका बदलता रहे? नहीं देखिए, थोड़ा सा नाम आप लोगों की मेहरबानी से चर्चित ज़्यादा हो गया है, और जो चर्चित ज़्यादा हो जाता है उससे उम्मीदें बन जाती हैं। दूसरी बात है कि हम लोग बड़ी आसानी से मौजूद रहते हैं लोगों के लिए, कभी हम लोगों ने ये नहीं किया कि चुनाव के टाइम या बाद में कोई फ़र्क रखा हो। और हम आपसे एक बात कहेंगे, आपके चैनल से बड़ी कीमती बात है, कि राजनीति एक बहुत बड़ा त्याग है, इसमें कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती, कोई निजी लाइफ नहीं रह जाती, और निजी लाइफ ना रह जाए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो हम लोग निजी लाइफ नहीं रह जाती, हम लोग हमारा कार्यकर्ता हमारे बेडरूम तक जाता है, तो अब अगर आप उसी तरह से बने रहे तो लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और ये है कि थोड़ा सा काम कराने में हम लोग मजबूती दिखाते हैं, जो हक है जनता का उसको दिलाने में मजबूती दिखाते हैं, और मजबूती से कहते हैं उसको आप करिए। आपके हिसाब से अगर आपके ऊपर मामले हुए भी हैं जब भी, तो वो लोगों की वजह से, आपका अपना काम निजी काम? देखिए, मुकदमे जिन लोगों पे हुए हैं तो किसी का इतिहास ये है कि साहब उनके भाई के साथ कुछ हुआ था, उनके पिताजी के साथ हुआ था, उनकी जायदाद कहीं चली गई थी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो मामले हुए हैं वो ये है कि हमने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी तगड़ी कबड्डी बोल दिया, और इलाहाबाद में इनको 5-5 दफ़े पछाड़ा, फूलपुर की पार्लियामेंट से चुनाव जीत गए, तो ये चुभता है ना कि भाई ये उनको खलता है, इसलिए मुकदमे लगाए जाते हैं। अपराध थोड़ी कारित हुए जो मुकदमे लगे, वो तो मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी पकड़ के लोगों को बैठा के फायर कराई जाती है, कितने मामले हैं ऐसे। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग अभी थोड़ा नौजवान हो, जोश में हो थोड़ा, अगर आप चाहो तो हम आपको डिटेल देते हैं, मैं तो बना के बड़ा अभिशोर, बड़ी अच्छी स्टोरी चलेगी कि साहब इतनी FIR क्या कोश हो सकती है देश में या दुनिया में, कहीं इतनी FIR कोश हुई है, किसी आदमी भी 180 मुकदमे लगे हैं, ये आप चलाओ, आप दिखाओगे 123 FIR कोश कर गई है, फर्जी मुकदमे लगे हैं। हम समझते हैं 1-2 एपिसोड के बाद तो लोग लाइन लगा के देखेंगे, और पूरे यूपी में हमारे चाहने वाले हैं, बॉम्बे में है, मध्य प्रदेश में है, जो चाहने वाले लोग हैं देखेंगे कि हाँ इस आदमी के ऊपर इतने मुकदमे कैसे लगे, क्यों नहीं चलाते आप लोग। हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा उन दस्तावेज़ों का। लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि कोई पार्टी बल का इस्तेमाल करती है, लेकिन कहीं पर अगर हम देखें तो चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबका नाम इस तरीके से जुड़ा रहता ही है। देखिए, सब मजबूत और जिताऊ ढूंढते हैं, जिसको मिल गया तो वाह वाह, न मिला तो दूसरे के ऊपर आरोप ढूंढते सब लोग हैं कि हमको मजबूत आदमी मिल जाए, और ऐसा आदमी मिल जाए जो आम आदमी के बीच में बड़ा जाना हुआ हो, कम से कम नाम जाना हुआ हो। तो नाम तो आप लोगों ने जनवा दिया है, तो इसलिए हमारी पूछ होती रहती है, आप कुछ भी कहें लेकिन पूछ हमारी होती रहती है।